फोटो एडिटिंग की अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए फोटो के साथ। अगर आप अपनी खुद की फोटो कुछ इस तरह की बनाना चाहते हो या फिर एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो का आखिर तक देखते रहे। इस फोटो एडिटिंग में जितनी भी फोटो की जरूरत होगी उन सभी फोटो के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वो सभी फोटो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहली वाली फोटो से स्टार्ट करते हैं। पिक्सआर्ट प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, ड्रॉ, स्टार्ट ड्रॉ, फ्रेम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से डन कर लीजिए। लेयर पैनल में जाएंगे, दूसरे नंबर के लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर लेंगे। एड ऑब्जेक्ट फोटो, यहाँ से डन कर लीजिए। फोटो की साइज को बड़ी कर लेंगे, कहीं भी डिस्प्ले पे टच कर लीजिए। लेयर पैनल को क्लोज करेंगे, जाएंगे इरेजर में, इरेजर की साइज सेट कर लेंगे, बैकग्राउंड को इरेज करेंगे। बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। एड लेयर फोटो लेयर, यहाँ से डन कर लीजिए। पहले नंबर के लेयर को दूसरे नंबर पर रख लेंगे, पहले नंबर के लेयर को सिलेक्ट करेंगे, लेयर एक्शन ट्रांसफर, यहाँ से डन कर लीजिए। एड लेयर एम्प्टी लेयर, एड ऑब्जेक्ट फोटो, यहाँ से डन कर लीजिए। फोटो की साइज को बड़ी कर लेंगे, कहीं पे डिस्प्ले पे टच कर लीजिए। फोटो की ओपेसिटी 50% जितनी रखेंगे, थोड़ा जूम इन करेंगे, लेयर एक्शन ट्रांसफर, यहाँ से डन कर लीजिए। फोटो की ओपेसिटी 100% कर लेंगे, लेयर पैनल को क्लोज करेंगे, जाएंगे इरेजर में, इरेजर की साइज सेट कर लेंगे, छोटी साइज रखेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज करेंगे। ठीक है दोस्तों, बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ से बैकग्राउंड को इरेज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो ग्लो वाला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसे इरेज करने के लिए आपको क्या करना होगा, एड लेयर कॉपी, पहले नंबर के लेयर को यहाँ से हाइड कर लेंगे, दूसरे नंबर के लेयर को सिलेक्ट करेंगे, नॉर्मल स्क्रीन, इरेजर में जाएंगे, ओपेसिटी को 10%, ब्रश की साइज थोड़ी बड़ी रखेंगे, सेटिंग हार्डनेस को 1%। पहले नंबर के लेयर को यहाँ से अनहाइड कर लेंगे, पहले नंबर के लेयर को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे इरेजर में, इरेजर की साइज सेट कर लेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज करेंगे। दूसरे नंबर के लेयर को सिलेक्ट करेंगे, लेयर एक्शन मर्ज, पहले नंबर के लेयर को सिलेक्ट करेंगे, लेयर एक्शन मर्ज, एड लेयर एम्प्टी लेयर, एड ऑब्जेक्ट फोटो, यहाँ से डन कर लीजिए। फोटो की साइज को बड़ी कर लीजिए, कहीं भी डिस्प्ले पे टच कर लीजिए, थोड़ा जूम इन जूम आउट कीजिए। फोटो की ओपेसिटी 50% जितनी रखेंगे, लेयर एक्शन ट्रांसफर, यहाँ से डन कर लीजिए। फोटो की ओपेसिटी 100% कर लेंगे, एड लेयर एम्प्टी लेयर, एड ऑब्जेक्ट फोटो, यहाँ से डन कर लीजिए। कहीं भी डिस्प्ले पे टच कर लीजिए, थोड़ा जूम इन कीजिए।
डायरेक्शन ट्रांसफर, यहाँ से डन कर लीजिए। इरेजर में जाएंगे, इरेजर की साइज सेट कर लेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लेंगे। एड लेयर, एम्प्टी लेयर, एड ऑब्जेक्ट, फोटो, यहाँ से डन कर लीजिए। फोटो की साइज को बड़ी करके कहीं भी डिस्प्ले पे टच कर लीजिए। थोड़ा जूम इन जूम आउट कीजिए। लेयर एक्शन ट्रांसफर, यहाँ से डन कर लीजिए। लेयर एक्शन मर्ज, लेयर एक्शन मर्ज, लेयर मोर एक्शन सेव इमेज। फोटो को सेव करने के बाद जाएंगे गैलरी में, ये रही फोटो, जाएंगे यहाँ शेयर में, शेयर में जाने के बाद जाएंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक, ब्रश में जाएंगे, वहाँ से स्मूथ वाला ब्रश सिलेक्ट कर लेंगे, सबसे आखिर वाला सेटिंग ब्रश की साइज सेट कर लेंगे, चेहरे को स्मूथ करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि चेहरे को परफेक्टली किस तरह से स्मूथ किया जा सकता है तो उसकी लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप उस आई बटन के लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख लीजिए। चेहरे को स्मूथ कर दिया है, पेन में जाएंगे, साइज सेट कर लेंगे, तीसरे नंबर का ब्रश सिलेक्ट कर लेंगे, सेटिंग साइज सेट कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे शेयर अदर्स स्नैपसीड, पेन में जाएंगे ब्रश, एक्सपोजर वाला ब्रश सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से डन कर लीजिए। पेन में जाएंगे टोनल कॉन्ट्रास्ट, डन। पेन में जाएंगे ग्रंज, फोर फाइव एट वाला स्टाइल सिलेक्ट कर लेंगे, यहां से डन कर लीजिए। यहां से डन करके फोटो को सेव कर लेंगे।